मुक्त करती है, और तुम्हारी विद्या बंधनों से मुक्त नहीं करती, बंधन पैदा करती है। अबे आई अभी क्रिश्चियन स्कूल से निकला तुम्हारा बच्चा, तुम कहोगी ना बेटा तुझे 9 महीने पेट में रखा, तेरे लिए दुख दर्द सहन किए, तो अपने पैंट की जेब से नोटों की गड्डी निकाल के तुम्हारे मुंह पे मारेगा कि मम्मी 9 महीने की दुहाई मत देना, ये ले नोट, पूरे साल का किराया काट ले, लेकिन आइंदा से मुझे ऋणी मत कहना, मुझे ये खरी खोटी नहीं सुनाना। इस बच्चे के हृदय के अंदर ऐसे कुसंस्कार कहां से आए, क्योंकि तुमने डाला अपनी औलादों को ईसाइयों के स्कूल में। क्या बात, क्या होगा समाज का। मेरे देश के संतों ने, मेरे देश के गुरुकुलों ने कहा था, पूज्य बापूजी का गुरुकुल है जहां पर संस्कार 25 साल ब्रह्मचर्य धारण करेगा बच्चा, नहीं तो सीधे संन्यास या गृहस्थ में प्रवेश करता था, तो ओजस्वी संतानों का पिता कहलाता था। और अब तुम्हारे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं। कामुकता से भरी संस्कृति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव करो हिंदुओं। मेरे राम को देखो, अवध की गद्दी 4 भाइयों के बीच में ठोकर खाती रही, लखन नहीं बैठे, राम ने कहा भरत तू बैठ जा, नहीं भैया ये अधिकार मैं ले नहीं सकता। और आज हम 2 बालिश जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाई को कोर्ट की धूल चटा रहे हैं, ये हमारी परंपरा नहीं, हमने अपने लिए नहीं, हमने अपनों के लिए जीना सीखा। ये भारत के सुसंस्कार किसने दिए, किसने सींचा, दधीची बनकर हमने समाज के लिए हड्डियां अर्पित की। यदि सनातन संस्कृति की धारा को प्रवाहित करने के लिए संत उन्मुख ना होते, संत अग्रसर ना होते, तो आज ये भारत की धराशीहीन हो गई होती, भारत भारत ना रहता, हम हिंदू हिंदू ना रहते। इसलिए और ईसाई मिलके इस देश के संतों का सर्वनाश चाहते हैं। क्यों, हमारे यहां पर एक आज भी सबूत है कि जब इंग्लैंड के अंदर मैकाले ने भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचाया, तो मैकाले ने कहा भारत गुलाम कैसे होगा, बोले भारत के संतों को चरित्रहीन करने का षड्यंत्र रचो, कीचड़ के दाग फेंको उन पे। क्यों, क्योंकि भारत के संत भारत को ऊर्जा देते हैं, तेज देते हैं।